अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया यावर अपने नए सबक के साथ आपके सामने। हमने हरूफ़ तहजी की मश्क की पिछले इसबाक में। आज उन्हीं हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं जो शरारतें करते हैं, आपस में अटकेलियाँ करते हैं। अब वो शरारतें किस तरह करते हैं और वो कितने हरूफ हैं, आज के सबक में हम ये देखेंगे। शरारती नो, उन्वान से पता चलता है कि हरूफ तहजी में शरारती नो नौ हरूफ ऐसे हैं जो आपस में अटकेलियाँ या शरारतें करते हैं। वो हरूफ कौन से हैं? दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे, वाओ और अलिफ। अब इनकी शरारतें क्या हैं जो ये दूसरे हरूफ के साथ करते हैं? ये अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते, यानी जब इनके बाद कोई भी हर्फ आएगा, जैसे रे, सीन, रस, अलिफ, बे, अब, अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर सीन रस, डाल ज़बर रे डर, यहाँ तक के मुरक्कब हरूफ पिछले सबक में जब आपने पढ़ा तो वो मुरक्कब हरूफ जो दो चश्मी हे के साथ मिलकर बनते हैं, उनमें भी ये शरारती नो अलग रहते हैं, यानी उनके साथ भी ये इकट्ठे नहीं आएंगे। अब जब ये शरारत इनकी है कि दूसरे हरूफ के बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते, मगर इन हरूफ को अगर पहले लगाएं तो वो उनके साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, आइए इसकी मश्क करते हैं। अलिफ ज़बर बे अब, अब जब हम बे और अलिफ को मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह लिखे जाएंगे। बे अलिफ बा, ब और अलिफ दोनों को मिलाया बा। इसी तरह रे ज़बर सीन रस, लेकिन जब इनको हम सीन पहले करके और शरारती नो यानी रे शरारती नो का एक हर्फ है, इसे अलग करेंगे और इसको इसके साथ बाद में मिलाएंगे तो शरारती नो की शरारत रे से पहले आएगा तो उससे धक्का दे के सीन को अलग कर देगा, लेकिन जब सीन पहले आएगा तो वो रे के साथ मिल जाएगा और वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। डाल रे डर ध और ढ मुरक्कब हरूफ, ये वो हरूफ हैं जो शरारती नौ में बाद में आने वाले हरूफ के साथ तो मिलते हैं मगर पहले आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते। इसके अलावा हरूफ तहजी के तमाम हरूफ आपस में बाद में आए या पहले आए, वो एक दूसरे के साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं और अलग भी लिखे जा सकते हैं, जैसे बस, सब, खुल, जम वगैरह। आज आपने घर में शरारती नौ हरूफ की मश्क करनी है, उनके साथ वो हरूफ शरारती नौ वाले अल्फाज बनाएं, पांच अल्फाज ऐसे बनाएं जिनमें ये शरारती नौ पहले आए और पांच को इनके साथ मिलाकर बाद वाले बनाएं। और इस सबक में अगर किसी तावुन की ज़रूरत है तो मेरा ईमेल एड्रेस है sadiayawar070@gmail.com। अगले सबक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।